नमस्कार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं हूं शेफाली और मेरे साथ है एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी। अनुराग जी, आपका स्वागत है। इस बार का चुनाव बड़ा आसान लग रहा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए, लेकिन जब परिणाम आ रहे हैं तो बहुत कश्मकश नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिखाया, पूरी ताकत से लगे हुए थे। और मेरे पास शेफाली अपडेट आए कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो 543 सीटों में से चुनाव की जो गणना चल रही है वो 542 पे चल रही है। सूरत की सीट बीजेपी ने निर्दलीय जीती है, वहाँ कोई नहीं था, तो एक सीट का परिणाम पहले ही आ चुका था, निर्दलीय थे बीजेपी के प्रत्याशी। तो 542 पे गणना चल रही है, उसमें से 293 पर इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन जो है भाजपा का गठबंधन है वो आगे चल रहा है, लेकिन इसको अभी 58 सीटों का नुकसान है शेफाली में, 58 सीटों का। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 212 सीटों पर आगे चल रहा है, इसको 136 सीतों का फायदा है। बड़ी बड़ी बढ़त। इंडिया गठबंधन को बेहद आसान तरीके से मोदी सरकार ने और सभी ने सोचा था बीजेपी ने कि बाईपास कर देंगे और इंडिया को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ वोटर्स ने काफी सीरियस लिया इंडिया। लेकिन आप देखिए कि अभी फरवरी में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसकी एक हवा थी, मोदी जी का अपना प्रभाव है, उनकी हवा थी, उसके बावजूद बहुत चौंका रहा है। मैं आपको बताऊं पश्चिम बंगाल की बात, वहां बड़ा कश्मकश का चुनाव था, तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो इस समय 32 सीटों पर आगे है और उसको 9 सीटों का लाभ हो रहा है। अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं या निर्दलीय हैं उनकी बात करें तो वो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं, उनको 65 सीटों का नुकसान हो रहा है इस समय। ये एक बड़ी खबर है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर भी AIMIAM के मुखिया जो है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, हाँ वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने बीट दे दिया है बीजेपी को। बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई थी और वहाँ जिस तरह की मतलब वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी उसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। बीजेपी की जो प्रत्याशी थी उनका नाम है माधवी लता, उन्होंने बहुत ताकत लगाई लेकिन मुकाबला भी बराबरी का नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ पे मंडी में कंगना रनौत तो जरूर आगे चल रही हैं। कंगना रनौत का शुरू में विरोध बहुत हुआ था, कहा गया था कि इनको टिकट क्यों दिया गया, बीजेपी ने इनको अपनी पसंद की बनाया। 4.5 घंटे हो गए हैं मतगणना को चलते हुए, सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और 2 घंटे के लगभग जो मतगणना हुई है उसमें कंगना रनौत पीछे चल रही थी, अब जाके वो थोड़ा सा आगे हुई। और राहुल गांधी ने भी जो पग पग यात्रा की है उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है, और रायबरेली से फिलहाल राहुल गांधी ने भी बढ़त बना रखी है। वायनाड रायबरेली दोनों जगह से आगे चल रहे हैं जी। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। ये शेफाली जी, इस खेल को समझना पड़ेगा, वहाँ पैकेट्स हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ जिस शख्स को उतारा है वो राजीव गांधी के समय से अमेठी में काम करते रहे, क्योंकि गली को जानते हैं। तो स्मृति ईरानी के लिए चुनाव आसान नहीं था, वो कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है, चल रहा है सारा का सारा मामला, लेकिन स्मृति ईरानी पीछे हो रही है बड़ी बात है। काफ़ी लंबे समय से वो वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा जो ये आगे पीछे होने वाली कहानी है स्मृति ईरानी को समझना पड़ेगा। और किशोरी लाल शर्मा, जिनकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, किशोरी लाल शर्मा राजीव गांधी के समय से अमेठी में काम करते रहे और उनके बारे में कहा जाता है कि एक गली मोहल्ला जानते हैं और स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल मुफीद व्यक्ति थे। मोहन कट्टर अपनी एक पहचान रखते हैं और वो भी आगे चल रहे हैं बीजेपी से। बिल्कुल पुराने संघ से आए हुए भाजपा नेता हैं और उनके बारे में मनोहर लाल कट्टर जो हैं उनको ये माना जा रहा था कि उत्तर का एक कहाँ जहाँ उनको चाहे बीजेपी फिट कर देगी तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, हम मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं और यहाँ से आपको बता दें कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, वहीं इंदौर की बात करें तो एक तरफा चुनाव है, वहाँ शंकर लालवानी आगे चल रहे हैं, खजुराहो से मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, और मध्य प्रदेश की अभी की स्थिति बताऊं तो 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। बिल्कुल, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, गांधीनगर से अमित शाह ने बढ़त बना रखी है। अमित शाह का बारे में बताऊं शेफाली, जब गिनती शुरू हुई थी और 8 से 9 बजे थे, पहले एक घंटे में अमित शाह 90,000 वोटों से आगे थे जी। मैंने अमित शाह को लोग बाग कुछ भी कहें, उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन उनका जो चुनावी कौशल है उसको मात देना इतना आसान नहीं है। 1 घंटे में जो व्यक्ति 90,000 से आगे था, अभी वो 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा नाम जिसको हम भूल नहीं सकते वो है संबित पात्रा, जो पूरी से आगे चल रहे हैं। पिछली बार हालांकि उनको हार का चेहरा देखना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वोटर से 1-to-1 मिले हैं और जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
संबित पात्रा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो बीजेपी के हरफन मौला नेता हैं, और जैसा वो बोलते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लोग अगर लोकसभा राज्यसभा में आए तो बहुत रोचक चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। जननायक महानायक की उपाधि प्राप्त कर चुके मोदी जी भी वाराणसी से काफी आगे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं और उनका आगे होना एक तरीके से भाजपा के और देश के भी हित में है, क्योंकि वो एक ग्लोबल नेता है। अगर मोदी जी पीछे होते तो खाली भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात होती, और मोदी जी को वहाँ हराने की क्षमता भी फिलहाल किसी में नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब एक हो जाए, लेकिन वो कर नहीं सकते। उनका जिस तरह का ऑरा है नरेंद्र मोदी साहब का, और ये देश में जहाँ से भी लड़ते वो जीतते। बिल्कुल, और जानवरों के लिए हर जगह मोर्चा खोल देने वाली मेनका गांधी भी इस वक्त आगे चल रही हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव में खड़ी। सुबह से जब से गणना शुरू हुई, कभी आगे कभी पीछे मेनका गांधी भी चल रही हैं। दो राउंड, पहले एक राउंड में वो पीछे हो गई थी और ये लग रहा था कि कई बार सितारे साथ नहीं देते, लेकिन हवा मोदी के पक्ष में है। इस समय जो अलायंस है पूरा का पूरा, एनडीए अलायंस है, एनडीए गठबंधन है, वो नुकसान में है, लेकिन एनऑल स्थिति ठीक ठाक है, सरकार बन जाएगी, सरकार बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव को भी विसरा नहीं किया जा सकता, और अखिलेश यादव जो हैं वो कन्नौज से आगे चल रहे हैं। पूरी क्षमता के साथ अखिलेश यादव ने प्रयास किया, मेहनत किया, और आप देखिए सपा से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माना जा रहा था, खास करके रामलला की जो विग्रह है उसकी स्थापना के बाद एक तरफा चुनाव होगा, ऐसा नहीं है, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से क्षमता के साथ लगी हुई है और बीजेपी के रास्ते को उसने उत्तर प्रदेश में रोक दिया। बिल्कुल, रेल मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं हम लोग, और उत्तर मुंबई में जो पीयूष गोयल है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं, और वायनाड में राहुल गांधी ने दोनों जगह अपनी बढ़त बना रखी है। तो राहुल गांधी को बहुत बीजेपी ने हमेशा पप्पू और इन चीजों से संबोधित करके बहुत पीछे की लाइन में रखा हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने बढ़त बनाई है। अब लोग प्रचार समझते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, तो आप भले ही पप्पू कह लें, लेकिन वो भी अपनी बात रखते हैं, लोग उनसे भी सहमत होते हैं, किसी से असहमति नहीं है। और आप आलू डालूंगा सोना निकालूंगा वाली बातें करें, वो किसने कही थी क्या थी, इस समय चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है निजी तौर पर वो कम नहीं हुई है। कि दोनों सीटों से जो किस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे लगता है, और अभी जो मेरे पास जानकारी शेफाली मैं साझा करना चाहूँगा दर्शकों से, कि इस समय एनडीए गठबंधन जो है वो 297 पर आगे है रुझानों में, और 54 सीटों का उसको नुकसान है, एक सीट जीत चुके हैं वो सूरत वाली। एनडीए जो है वो 209 पर आ गए हैं, इनको 133 सीटों का लाभ है। तृणमूल कांग्रेस बड़ी चर्चा उसका करना आवश्यक है, वो 31 सीटों पर आ गए हैं, उसको 8 सीटों का लाभ है, और जो अन्य दल और जो निर्दलीय हैं वो 5 पर आ गए हैं, इनको 63 का नुकसान है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।